में रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर सुनवाई हुई। नेशनल हाईवे की बदहाली पर सुनवाई हुई है। विधानसभा रोड की बदहाली पर भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कलेक्टर और अफसरों से जवाब मांगा है। एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जवाब मांगा है कोर्ट ने कलेक्टर और अफसरों से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जवाब मांगा है कोर्ट ने सड़कों की बदहाली को लेकर, नेशनल हाईवे की बदहाली को लेकर। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जवाब मांगा कलेक्टर और अफसरों से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जवाब मांगा गया। खबर रायगढ़ से, जहां इनकम टैक्स ने कोयला कारोबारी बंटी डालमिया के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा कि करीब 100 अधिकारी कर्मचारियों की टीम 20 गाड़ियों से पहुंची थी। आईटी की टीम ऑफिस और घर समेत अन्य जगहों पर दस्तावेज खंगाल रही है। कारोबारी और उनके सहयोगी मौके से गायब हैं। ओडिशा की इनकम टैक्स विभाग की टीम ये कार्रवाई कर रही है। बंटी डालमिया के ओडिशा सहित रायगढ़ में कई उद्योगों में पार्टनर और खुद के उद्योग हैं। रायगढ़ जिले में इंडस एनर्जी और कोयला कारोबार है। इनकम टैक्स की चोरी की आशंका को लेकर ये रेड चल रही है। महासमुंद में 2 करोड़ का सोना बरामद किया गया। सोने के साथ हिरासत में एक आरोपी लिया गया। 3 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। पुलिस ने कार में चैम्बर बनाकर तस्करी की जा रही थी। सोने की ओडिशा से आ रहे थे तस्कर, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र ले जा रहे थे सोने को। 2 करोड़ का सोना बरामद हुआ। 3 किलो के सोने के बिस्किट बरामद किए गए महासमुंद। सोने के साथ हिरासत में है एक आरोपी। इधर दुर्ग में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हसदेव अरण्य की कटाई